हाँ तो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन थर्ड है, इसमें क्या करना है हमें, क्वेश्चन में हमें दिया है भाई, निम्न समस्या को रैखिक युग्म बनाइए और उनके अल प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या कीजिए, हल कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या करना है, यूज करना है, मतलब प्रतिस्थापन विधि का। ठीक है, पहले इनकी हमें क्या करनी है, युग्म बनानी है। युग्म का मतलब है हमें इनकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, उसके बाद इन्हें क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, 3 का ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है ना, दो संख्याओं का अंतर कितना है, इनका जो उनका डिफरेंस है, दो नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो एक संख्या है वो दूसरी नंबर से क्या है, 3 टाइम्स है ना, क्या थ्राइस है, यानी 3 गुनी है। तो उन्हें क्या ज्ञात करना है हमें, तो बोल दीजिए क्या करते हैं, देखो सोल्व। तो सबसे पहले हमें क्या संख्या में दी हुई है नहीं है ना, हर इक्वेशन हमें बनानी है, फिर उन्हें क्या करना है, सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना पहली संख्या क्या है, एक्स है, तथा दूसरी संख्या क्या है बच्चों, दूसरी संख्या y। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेट फर्स्ट नंबर क्या है x एंड सेकंड नंबर्स क्या है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, मतलब ये प्रश्नानुसार। तो क्या है, दो संख्या का अंतर कितना है, 26 है, तो पहली संख्या हमारे पास क्या है x, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास y, उनका जो अंतर, अंतर का अर्थ है मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, है ना, अंतर का मतलब होता है माइनस, कितना है 26। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है फर्स्ट, ठीक है। अब उसने कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या है ना, तो क्या है, इसे लिख देंगे हम केस फर्स्ट, और केस सेकंड में हमें क्या दिया है कि एक संख्या है ना, एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या क्या है वाई, कितनी है बच्चों, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुनी का मतलब, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगी हमारे पास इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, तो इसे क्या कर दो, इसकी वैल्यू इसमें क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक है, तो लिख देंगे हम समीकरण 2 से x बराबर 3y है ना, या कह देंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर बच्चों, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक फ्रेंड, अभी देखो क्या करना है, मैं x की वैल्यू ने यहाँ पे पुट कर दी, x की जगह ना कितना 3y माइनस ये y एज इट इज बराबर कितना है 26। ठीक है स्टूडेंट, 3y में से y क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना बचा 2y। ठीक फ्रेंड, अरे कितना है 26, 2 इसके अपॉन में 26 अपॉन 2, इससे क्या कर दो कैंसिल, 2 एकम 2 है ना, और 2 दिया 6, तो कितना आ गया y 13। ठीक है, अब क्या करते हैं y की वैल्यू से कर देंगे पुट इक्वेशन, पुट इक्वेशन किसमें पुट करना है हमें, थर्ड में, सेकंड में। तो x बराबर कितना 3 इंटू वाई, वाई की जगह कितना है बच्चों 13 है ना, 13 दिया 39 और x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हैंड ली देंगे, हैंड अतः है ना, x बराबर कितना 39 और y बराबर कितना है 13, और ये हमारा क्या है आंसर। ठीक फ्रेंड, क्वेश्चन थर्ड का क्या है, पहला पार्ट हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आइए मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, कि सेकंड पार्ट में दिया हुआ क्या है। ठीक है, दो दो पार्ट करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी भाई, है ना। ये ना जो हैंड्स है ना, तो ये क्या है, ये पहली संख्या है, तो पहली संख्या कितनी है 39, और सेकंड जो दूसरी संख्या है वो कितनी है हमारे पास 13। ठीक है, भाई सेकंड क्वेश्चन में दो संपूरक कोणों का योग छोटे कोण से थर्ड ही ले लिया है ना, ये सेकंड पार्ट है, दो
संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक स्टूडेंट, 18 डिग्री क्या अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या करना है, उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो भाई क्या करना है, करते हैं 16 में से, है ना। तो कोई बड़ा इशू नहीं है, प्रतिस्थापन विधि क्या करना है बच्चों, यूज करने के लिए बोल रखा है। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले पता मुझे कि संपूरक कोण किन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो जब दो कोणों का योग, यानी कि जब दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। जब दो एंगल का सम, यानी कि जब दो कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। ठीक है, जैसे हमारे पास ये लाइन है ना, इस पे एक एंगल हमारे पास ये है, इसे एंगल को एक्स मान लो, इसे वाई। तो जब इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, तो इन्हें क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो सकती है, 150 है ना, अधिक कितना है, 330। तो इन्हें जोड़ दो, कितना हो गया, 180। तो ऐसे हम क्या सकते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं संपूरक कोण। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें बड़ा कोण कौन सा है, छोटा कोण कौन सा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मानना पड़ेगा। जब हमें कोई कंडीशन ज्ञात करनी होती है ना, तो क्या करते हैं, उनको लेट करते हैं। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री दिखे, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं, माना पहला कोण या बड़ा कोण, है ना, पहला कोण है ना, छोटे कोण की बात करें तो बड़ा कोण लिखते हैं, है ना। माना बड़ा कोण, यानी कि ग्रेटर एंगल है, कितना है, माना बड़ा कोण क्या है बच्चों, 1 डिग्री, तथा छोटा कोण क्या है, वाई है। डिग्री ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या आएगी, पहली कंडीशन से इधर मिलती है ना, यानी कि प्रश्नानुसार, क्या बच्चों, प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो संपूरक कोण है ना, संपूरक कोण है तो एक्स प्लस वाई, भाई दो एंगल है, कितना होगा, 180। पहली क्वेश्चन तो हमारे पास यही होगी। सेकंड में क्या कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण कौन है, एक्स छोटे कोण से, है ना, छोटा कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। कितना है बच्चों, 18 डिग्री अधिक है। अभी डिग्री अगर यहाँ पे लगा रहे थे, यहाँ भी लगा दो, आपको दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड, ये क्या था, केस फर्स्ट और ये केस सेकंड। अब क्या करते हैं, देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास पहले ही है ना, तो इसे क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, प्रतिस्थापन कर दो, ले लेंगे समीकरण 2 से एक्स का मान, समीकरण किसमें भाई, 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो भाई प्रतिस्थापित कर दो, एक्स प्लस है ना, क्या है ना, एक्स एक्स जाए कितना है, वाई प्लस 18 है ना, अरे प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू कितना है भाई, 180। तो एक्स वाई और वाई, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, ये 18 इधर जाए क्या हुआ भाई, माइनस है ना, 2y इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दिया ना, देखो 0 में से 8 नहीं जाता ना, तो क्या कहते हैं, कैरी लेंगे, फिर 10 में से 8 गए, तो यहाँ से 7, 7 मिल गया 6, ये एक कैरी लिया, तो 162 से क्या कर दो, कैंसिल कर दो, 2 8 16, 2 1 2, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 81। कितनी आई, 81। हमको क्या चाहिए, x की भी तो वैल्यू चाहिए ना, देखो y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में, पुट इक्वेशन आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, ठीक है, पर हमारे लिए क्या है, इजी है इक्वेशन। देखो y, y की जगह कितना है, 81 प्लस ये कितना, 18। तो x बराबर कितना हो गया भाई, 99 डिग्री। ठीक स्टूडेंट, अगर एक्स और वाई को हम जोड़ते हैं, अगर अपना आंसर हमें क्या करना है, चेक करना है, तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, क्योंकि दो एंगल का जो सम था वो कितना था, कितना था बच्चों, 60
संपूरकता, संपूरक का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक सप्लीमेंट्री होता है। तो एक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 99, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 81, अगर इनको ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलता है 180 इज इक्वल टू 180। इसका मतलब हमारी जो एक्स वाई की वैल्यू है क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड,